हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक करी। एक करी बनाने के लिए सबसे पहले बॉयल्ड पोटैटोस एंड बॉयल्ड एग, इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। जब हम इन दोनों को डीप फ्राई बना के एक करी बनाते हैं तो वो करी बहुत ही डिलीशियस लगता है, और ये फ्राइड रहते हैं तो उसे खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम बॉयल्ड पोटैटोस को डीप फ्राई कर लेंगे एकदम रेड कलर। जब तक ये पोटैटोज़ हमारे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अनियन के पेस्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ दो अनियन लिया है, एक चम्मच जीरा, दालचीनी, जैत्री इलायची और काली मिर्च, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम लेंगे टमाटर और मिर्चा, अब इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसके बाद हम अपने पोटैटोज़ को निकाल लेंगे क्योंकि वो लाल हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एग और उसे भी बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे, और इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब आते हैं हम ग्रेवी की तरफ। हम डालेंगे तेल में जीरा एक चम्मच, बे लीफ यानी तेज़पत्ता, हींग, मैं यहाँ गोटा हींग यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हींग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जाएगा ग्रीन चिलीज़। इसे 2 मिनट सॉटे करेंगे, और इसके बाद डालेंगे गार्लिक 2 चम्मच। इसे गार्लिक को मैंने बहुत ही अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसमें जाएगा अनियंस जिसे मैंने बारीक काट लिया है, अब इसे भी बहुत ही अच्छे से सॉटे करूंगी मैं। इसके बाद जाएगा प्याज का पेस्ट, और इसे मैं 5 मिनट तक भूनूंगी बहुत ही अच्छे से। बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए करीब 5 मिनट तक। इसके बाद इसमें जाएगा स्पाइसेस, जैसे कि हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। और इसमें थोड़ा पानी जाएगा और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई होगा। जिस ग्राइंडर में हमने मसाले पीसे थे उसी में हम पानी डाल के इसमें यूज़ करेंगे, उसे वेस्ट नहीं करेंगे। और इसे पानी डाल के बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। करीब 15 मिनट तक हम इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया टमाटो पेस्ट, और इसे भी बहुत ही अच्छे से सॉटे करेंगे करीब 10 मिनट तक, और थोड़ा सा लास्ट में डाल देंगे गरम मसाला, और इसे 5 मिनट तक पकने देंगे हम। उसके बाद एक बाउल में हम पोटैटोज लेंगे और ऊपर से थोड़ी ग्रेवी डाल देंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम एग डालेंगे जो हमने फ्राई करके निकाले हुए थे, और इसके ऊपर भी थोड़ी ग्रेवी हम डालेंगे। और इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे, और आप देख सकते हैं हमारा एक करी बनके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही टेस्टी है खाने में। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड डू फॉलो माय अदर रेसिपीज़ एज वेल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लवली लवली वीडियो। आप इसे भी घर पर बनाइए, आप इसे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही अच्छे हैं।